मौसम में कोई प्लीज मुझे चाय बना के दे दो। कोई है? कोई है? नहीं कोई ऐसा नहीं। 1000 रुपए किलो? सीरियसली? मैं कह रही हूँ अदरक का कारोबार कर लेते हैं जी। वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं फाइनली पहली बार बैक कैमरा से ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। तो मैंने कहीं ना ये एक्चुअली मैंने एक और वीडियो में ही देखा था कि ब्लॉगिंग बैक कैमरा से करनी चाहिए, क्योंकि उससे कैमरा क्वालिटी जो आती है, मतलब आपकी वीडियो की क्वालिटी जो आती है, वो ज़्यादा बेटर आती है। और मैं खुद भी देख रही थी कि मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं, मतलब फ्रंट कैमरा से मैं ही शूट करती थी हमेशा। तो फ्रंट कैम से उस टाइम पे तो अच्छा लगता है, लेकिन अपलोड होने के बाद आई डोंट नो उसकी क्वालिटी कैसे डिटोरिएट कर जाती थी। सो आई एम ट्राइंग टू ब्लॉग, पता नहीं मेरा चेहरा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिखता नहीं है यार बैक कैमरा से कि आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बट आई होप मैं आ रही हूँ और ठीक ठाक दिख रही हूँ। तो फिलहाल मैंने आज पहली बार स्टार्ट किया है बैक कैमरा से, लेट्स सी। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और खाना पीना सब हो चुका है, सबने खाना खा लिया है। अभी मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, उनका खाना बचा हुआ है ऑब्वियस, बट बाकी सब ने कर लिया है। तोलू ने भी खाना खा लिया है, अभी वो खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग। और बस देखा यहीं पर मैं अटक जाती हूँ। अब मैं अटक गई कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे टूटे फूटे व्लॉग्स से मैं ही अच्छा एक अच्छी व्लॉगिंग सीख पाऊंगी। ऑफकोर्स मेरे कुछ कुछ व्लॉग्स को लोगों ने अप्रिशिएट किया है, मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स और फैमिलीज हैं उन्होंने तो अप्रिशिएट किया है कि आई एम डूइंग गुड। और काफ़ी अच्छा, मतलब स्टार्टिंग के वीडियो से, मतलब जो भी जर्नी अभी तक की चल रही है उसमें सही जा रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो मेरी जर्नी जो चल रही है। तो फिलहाल मैं सोच रही थी यार कि टाइम है तो कोई अच्छी सी मूवी देखा जाए। तो मैं काफ़ी देर से नेटफ्लिक्स पर सर्च कर रही थी। आजकल पता है मैं कोरियन ड्रामास बहुत देख रही थी, और रिसेंटली मैंने अभी ये स्टार्ट किया है किंग द लैंड, उसके मैंने ऑलमोस्ट सारे एपिसोड जितने अपलोड हो चुके वो तो मैंने देख लिए हैं। 2 एपिसोड उसके लास्ट 2 एपिसोड बचे हैं, जो कि 5th और 6th अगस्त को आएंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट। तब तक के लिए 2-4 और शोज हैं, मैंने काफ़ी एक्चुअली मैंने के ड्रामास देख लिए हैं, जैसे कि एक व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, प्लस एक मेरा फेवरेट था मीटियोर गार्डन, वो मेरा फेवरेट था। उसको तो मैंने एक दिन या 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा सीजन कंप्लीट कर दिया था। बट अभी मैं फिलहाल सोच रही हूँ कि मैं कौन सा शो देखती हूँ। तब तक मैं पहले ढूंढ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन सा शो स्टार्ट किया है, आज क्या देखने वाली हूँ मैं। शो तो नहीं है एक्चुअली, मूवी देखूंगी, इतना टाइम नहीं है कि शो देख सकूँ, तो मूवी देखेंगे अभी फिलहाल हम लोग। तो गाइस फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम देखने वाले हैं कटहल। सो गाइस अभी अभी हमारी कटहल मूवी ख़त्म हुई है। एक्चुअली देखते देखते नींद आने लग गई, बोरिंग थी यार, बहुत स्लो, बहुत बोरिंग थी लिटरली। मतलब कहानी का मैसेज बहुत अच्छा था, बट फिर भी मूवी बहुत स्लो थी। और तोलू भी सो गया बेचारा, कितनी बोरिंग मूवी थी यार। एक आई मैं थोड़ा सो गई थी तोलू के साथ ही, तो सुलाते सुलाते मैं सो गई। और ये देखो यार मौसम फिर से सुहाना हो गया। हाँ कितना अच्छा मौसम है इस मौसम में। कोई प्लीज मुझे चाय बना के दे दो। कोई है? कोई है? नहीं कोई ऐसा नहीं, मुझे खुद ही बनानी होगी। हाँ कोई बात नहीं, अपन भी जाते हैं चाय बनाते हैं पहले। हाँ गाइस हमारा एसी खराब हो गया, एसी में खुद ज़्यादा ही चलाई थी, इनकी शक्ल देखो गुस्से में, कुछ ज़्यादा एसी चलाने की वजह से मेरा एसी खराब हो गया। हाँ ला रही हूँ। तो गाइस हमारे एसी को एक्चुअल में ये हुआ है कि ज़्यादा चलाने की वजह से हमारे एसी की जो पाइप है उसमें बर्फ जम गई है। ठीक कराने वाले जो भैया आए थे उन्होंने तो मैडम लगता है बहुत ज़्यादा इसे चलाती हैं, 2 घंटे के लिए से बंद कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएगी।
सारी जो बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। अब से ये मुझे ना पता है अजीब से स्टेयर देते चले जा रहे हैं कि यहाँ सारा सारा दिन तो एसी चला के बैठी रहती थी ना। हाँ ठीक है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं चाय बनाने और चाय बनाते हैं। नहीं 1000 रुपए किलो सीरियसली? मैं कह रही हूँ अदरक का कारोबार कर लेते हैं जी, खेती कर लेते हैं अदरक की। सुना है टमाटर बेच के एक व्यापारी करोड़पति हो गया था, बताओ महीने में 4 करोड़ कमा लिए, सोच अदरक बेच के हम कितना कमा लेंगे, है ना। इन्होंने जैसे ही बोला ना कि अदरक 1000 रुपये किलो है, लिटरली मैंने आधी अदरक तुरंत ही वापस रख दी। इतनी महंगी भाई साहब, उतनी चाय रेडी है गाइस। माय हस्बैंड इज माय जीनी लिटरली। आई जस्ट आज की मुझे चाय के साथ समोसा या फिर कुछ ऐसा नमकीन सा खाने का मन कर रहा है, उन्होंने लिटरली मंगा दिया। सी मेरी चाय और समोसे। अब हम मस्त चाय समोसे एंजॉय करेंगे थोड़ी देर। बहुत गर्म है बारिश का मौसम और चाय समोसा कॉम्बिनेशन जन्नत। सो गाइस खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, दाल सीटी आ चुकी है, चावल चढ़ा चुके हैं, बस दाल को छौंकना बाकी है, उसके बाद मेरा खाना बन जाएगा। गर्मी दाल रेडी। सो गाइस जग गया। हे गाइस तो फाइनली दोनों सो चुका है और मैं भी सोने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Love you, bye.